बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे और अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको शफाए कामला और आजला नसीब अता फरमाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बीफ़ और टींडे, यानी बड़ा गोश्त और टींडे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है, ये तकरीबन 1.5 किलो है। इसको मैंने ऊपर रख दिया है, कुकर में डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इस पर पानी डाला है, पहले मैं इसको पानी पकाऊंगी। ये पानी ऐसे डाला है कि ये पकाने के बाद निकाल दूंगी। देखा है थोड़ी देर गोश्त पकेगा उसका काला काला सा ऊपर झाग सी आ जाती है, तो हम उसको निकाल देंगे। तो चलिए चूल्हा जलाती हूँ और इसको पकाती हूँ। ये देखें, ये खून इसने बिल्कुल अलहदा हो गया, जाला सा बन के निकल आया। इसको मैं पानी इसका निकाल दूँगी, ताज़ा पानी और साफ़ डालूँगी, फिर इसको कुकर लगाऊँगी। ये देखिए मैंने इसका पानी निकाल दिया है और अब इसमें साफ़ पानी और ताज़ा डालूँगी, तकरीबन 1.5 गिलास। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज, लहसुन, ये लहसुन 2 जवे छीले थे मैंने, और ये प्याज 2 अदद बड़े। और उसके बाद डालूँगी नमक 1 चम्मच या अपने जायके के हिसाब से, और 1 चम्मच हल्दी का। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, 6-7 लौंग है वो डाले। और अब इसको मैं कर दूँगी बंद 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देखें गोश्त गल गया है और इसका पानी भी खुश हो गया। अब इसमें भूनूंगी, इसमें डालूंगी टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, सब्ज मिर्च, और अब मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल, और इसके बाद रेड मिर्च डालूंगी 1 चम्मच, अब इसमें डालूंगी गरम मसाला 2 चम्मच, और अच्छे से इसको भूनेंगे। ये देखें अभी मसाला बना लिया है, इतना बन गया, लेकिन अभी टमाटर नज़र आ रहे हैं, और इससे अच्छा मसाला बनाना है कि टमाटर बिल्कुल घुल जाए, नज़र ना आए, और घी भी छोड़ दे। घी तो छोड़ रहा है लेकिन अभी भूनेंगे इसको। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल के नए हैं, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसी से हमें हौसला मिलता है। अब इसमें टींडे डालती हूँ, देखे भून लिया है, अच्छी तरह घी छोड़ दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे, फिर पानी डालेंगे। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास, आप अपने अंदाजे के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसको पकाएंगे 5-10 मिनट ढक्कन बंद करके, कुकर नहीं बंद करेंगे। अब देखते हैं कि सालन तैयार हो गया है, देखें माशाल्लाह सालन बन गया। अब इस पर डालूंगी धनिया और इसे निकालूंगी। ये देखें सालन बन गया है और इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।